हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीपल व्यू टॉयज़। और आज हम फिर से आपके लिए एक अमेजिंग टॉय लेकर आ गए हैं। मोर ऑफ एक DIY किट है। जैसा आप देख रहे हैं कि नेशनल ज्योग्राफिक की तरफ से ये आता है, तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है क्वालिटी को लेकर। तो आइए इसके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, कंटेंट एक बार चेकआउट कर लेते हैं। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट इन टू द वीडियो। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया कि प्रोडक्ट आ जाता है नेशनल ज्योग्राफिक की तरफ से, STEM किट है। अब तक आप सब पहचान ही गए होंगे कि हम बहुत बड़े फ़ैन हैं STEM किट के, क्योंकि ये आपके अंदर एक लर्निंग एबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, चारों फील्ड में ये अमेजिंग रहेगा। यानी कि इससे आप अपना खुद का एक वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी घर पे बना सकते हैं। हाउ कूल इज़ दैट? तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि बिल्ड अ वोल्केनो एंड मेक इट इरप्ट ऑल्सो। और उसके अंदर से आप इरप्शन भी कॉज कर सकते हैं, कि आप पूरा फैक्ट समझ सकते हैं कि कैसे वोल्केनोस इरप्ट होते होंगे। मेन डब्बे के फ्रंट में ही हमें वार्निंग दो दी हुई है कि चोकिंग हजार्ड्स हैं। इस बॉक्स के अंदर आपको स्मॉल पार्ट्स मिलेंगे, तो 3 ईयर्स के अंडर वाले किड्स इन्हें यूज़ ना करें। दूसरा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, तो भी जो बच्चे छोटे हैं 3 ईयर्स के अंडर आते हैं, वो या तो इसे यूज़ ना करें, और अगर यूज़ करें तो सिर्फ सुपरविजन में यूज़ करें। सब हमारे चैनल पे आपको नेशनल ज्योग्राफी के और भी कई सारे किट अनबॉक्सिंग मिलेगी, और वहाँ पे आपको एक कॉमन चीज़ दिखेगी कि यहाँ पे कलेक्टर्स कॉर्नर आता है, जहाँ पे भी आप जेन्युइन स्पेसिमेन इकट्ठे कर सकते हैं उस किट से रिलेटेड। जैसा कि इस वाले के अंदर हमको वोल्केनिक स्पेसिमेन दिया हुआ है, अंदर मे बी कोई स्टोन हो सकता है या फिर और कोई चीज़ जो एक्चुअल वोल्केनो से मिली हो। अब इसके बाकी डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें, प्राइस का अगर हम बात करें, तो प्राइस हमको यहाँ पे दी हुई है 799, ऑलमोस्ट 800 रुपीज़ का ये हमको मिल जाएगा। अब सिर्फ ओपन करके देखने की बात है कि 700 या फिर 800 वर्थ ये है या नहीं। तो चेकआउट कर लेते हैं कि इस किट में हमें क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन और लर्निंग गाइड, इसे हम लोग आराम से पढ़ेंगे क्योंकि पूरा किट हमें इसी की बेस पर बनाना पड़ेगा। दूसरा, हमारे पास में वोल्केनो प्लास्टर, आई थिंक इससे हम वोल्केनो का मोल्ड बना पाएंगे। और पीछे को इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि इसे हमेशा अडल्ट के सुपरविजन में ही बनाएं, क्योंकि आप सबको पता है कि ये सिर्फ केमिकल्स हैं, और केमिकल्स बच्चों को अभी भी अकेले हैंडल नहीं करने चाहिए, वो काफ़ी हार्मफुल रहते हैं। तो ये हो गया हमारा वोल्केनो प्लास्टर। फिर ये जो हमारे बॉक्स पे लिखा हुआ था कलेक्टर्स कॉर्नर में कि हमको एक रियल स्पेसिमेन मिलेगा वोल्केनो का, तो ये है वो प्यूमिस स्टोन। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या ये होता है, इसको अभी के लिए साइड में रख देते हैं। फिर है हमारे पास ये छोटा सा पैकेट, इसके अंदर सिट्रिक एसिड। तो मे बी ये इस पूरे प्रोसेस में कहीं काम आएगा। सिट्रिक एसिड है हमारे पास में, इसको भी रख देते हैं। फिर है हमारे पास में इरप्शन पाउडर, जिसका मुझे बहुत टाइम से इंतज़ार है कि पूरा वोल्केनो बने और हम देखें कि ये इरप्ट कैसे करेगा। वही वार्निंग्स इसके अंदर है कि हमेशा अडल्ट के सुपरविजन में करें, क्योंकि एज यू ऑल नो कि ये सिर्फ केमिकल्स हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट 22 kg इरप्शन पाउडर के ऊपर मेंशन है। ये हो गया हमारा इरप्शन पाउडर, और ये हमारा वोल्केनो का मोल्ड, ये हमारा वोल्केनो मोल्ड है। एंड देन इसके बाद में हमारे पास में डू नॉट थ्रो अवे वोल्केनो मोल्ड, दो वोल्केनो मोल्ड, इनको जोड़ के शायद से वोल्केनो मोल्ड बनेगा। और फिर थोड़ा डेकोरेशन का आइटम, कलर्स एंड कलर ब्रश, वाटर कलर्स हमको दिए हुए हैं यहाँ पे, और एक पॉप्सिकल स्टिक स्टेयर करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा वोल्केनो बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे इरप्ट होता है। तो शुरुआत करते हैं हमारे वोल्केनो के मोल्ड के साथ में। We'll be right back.
करोगे ना तो मोल्ड हमारे पास यहाँ पे बनकर रेडी है। अब हमने क्या करना है, हमें प्लास्टर बनाना है वॉल्केनो के लिए। तो हमने बाउल में ले लिया है कुछ 5.5 ounce पानी और इसमें हमको 1.5 cup प्लास्टर मिक्स करना है वॉल्केनो का। बस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में तो लिखा गया था कि इसे 35 से 40 मिनट्स रखना है, लेकिन मैंने इसे ओवरनाइट छोड़ दिया। तो अब देखते हैं कि हमारा ये वॉल्केनो का मॉडल कैसे बन के निकला है। तो आइए इसको अनमोल्ड करते हैं। तो इसको सुखाने में मुझे 1 दिन लग गया अच्छा खासा। इसे धूप में रखना पड़ा क्योंकि ये इतना मोटा है, इसे सूखने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन फाइनली ये रेडी है। और अब हम इसको कलर करना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से हम इसमें से इरप्शन कॉज कर पाएंगे। तो आइए तो वॉल्केनो का स्कल्पचर तो बन के रेडी है। नीचे प्रोटेक्शन के लिए हमने ये पुराना न्यूज़पेपर लगा दिया है और थोड़ा फील देने के लिए थोड़ी मिट्टी बिखेर दी है और इसके ऊपर हम लाके सेट कर देते हैं अपना वॉल्केनो का स्कल्पचर। तो सी, थोड़ा रियलिस्टिक करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे एफर्ट किया है और अब देखते हैं कि कैसे हमें इरप्शन पाउडर बनाना है। सेफ्टी फर्स्ट, ग्लव्स ऑन। एक मग में मैंने यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमको दिया हुआ था एज इरप्शन पाउडर वो ले लिया है। इसके साथ हमको अच्छे से मिक्स करना है किट में दिया हुआ सिट्रिक एसिड। मेरे पास जो सिट्रिक एसिड था वो काइंड ऑफ जम गया था, तो मुझे नीचे से बॉटल को कट करके उसे जैसे तैसे निकालना पड़ा। थोड़ी मेहनत मशक्कत लगी पर ओवरऑल निकल गया। उसके बाद में मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर आपको कुछ नहीं करना है, मिक्सचर को आपको वॉल्केनो के अंदर डालना है और धीरे धीरे उसमें वाटर डालना है। उसके बाद जो केमिकल रिएक्शन होगी उससे एनर्जी रिलीज होती है और एफरेंसेस, जैसे आप केमिस्ट्री में कहते हैं या फिर सिंपल लैंग्वेज में बबल्स निकलते हैं इस टाइप से। तो यहाँ पे रेड कलर भी है साथ में, तो ये थोड़ा आपको एक्चुअल वेलकोनो का लुक देगा। इन बबल्स के साथ में केमिकल रिएक्शन होता है, एनर्जी रिलीज होती है और इस टाइप से बबल्स फॉर्म होते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ किसी माउंटेन में से वेलकोनो इरप्ट हो रहा हो, लावा इरप्ट हो रहा हो। तो देखिए इस टाइप से ये पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हुआ और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, बबल्स देख के और पूरा लुक बहुत अच्छा लग रहा था।
जितना पाउडर डालते रहेंगे ऊपर से पानी आप ऐड करते रहेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सिट्रिक एसिड प्लस H2O यानी वाटर, और फिर ये केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है। तो पूरा प्रोसेस बस यही था इरप्शन का। आई होप इससे आपको थोड़ा वोल्केनो का फील आया हो, थोड़ा केमिस्ट्री समझ में आई हो। बिग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि हमको कैसे अपना वॉल्केनो बनाना है। यहाँ पे वॉल्केनो के लिए एक लर्निंग गाइड भी है कि लेट्स फेस इट गाइस, हम एक्चुअल में वॉल्केनो के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो फिर वॉल्केनो क्या होते हैं, अर्थ के स्ट्रक्चर के साथ में उनका क्या लिंक है, क्यों वो इरप्ट होते हैं, रिंग ऑफ फायर क्या है, और पार्ट्स ऑफ वॉल्केनोज, डिफरेंट डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ कैसे वॉल्केनो का पार्ट बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, ये सारी चीज़ें इनके अंदर दी हुई हैं। सबसे लार्जेस्ट वॉल्केनो ऑन द अर्थ, तो ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। आप मुझे क्यों ना कमेंट सेक्शन में बताइए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट वॉल्केनो कौन सा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जिनके राइट आंसर्स होंगे श्योर हम उनको पिन करेंगे, उनके कमेंट्स को लाइक करेंगे। वॉल्केनिक विंटर्स, बेनिफिट ऑफ वॉल्केनो, जियोथर्मल एनर्जी, ये सारे पॉइंट्स इसमें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे दे रखी है कि वॉल्केनो से जो रॉक्स क्रिएट होते हैं उनके बारे में यहाँ पे थोड़ी हमको जानकारी दे रखी है, जैसे गियोड्स, प्यूमीस एंड ऑब्सीडियन। और इन सब में से हमारे पास जो हमको कलेक्टर्स कॉर्नर में स्टोन दिया हुआ है वो है प्यूमिस स्टोन। तो ये है हमारा वो प्यूमिस स्टोन। और सिंपली प्यूमिस स्टोन होता क्या है, एक इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक मीन्स जो वॉल्केनो के इरप्शन के बाद में फॉर्म होते हैं जब लावा कूल डाउन हो जाता है। और आप जैसे कि देख रहे हैं ये एक स्पंज टाइप ऑफ स्टोन है, और मे बी अगर आप लोगों ने अपने बाथरूम में देखा हो तो प्यूमिस स्टोन बॉडी के डेड सेल्स को निकालने के लिए काम आता है। आपने कभी देखा होगा किसी के बाथरूम में या फिर अपने बाथरूम में वो प्यूमिस स्टोन यूज़ करते हैं स्किन को रब करने के लिए, डेड स्किन रिमूव करने के लिए, हील्स पे डेड स्किन रिमूव करने के लिए। तो आपको एक क्लोजर लुक देती हूँ, इस टाइप से ये दिखता है। और जिस टाइप से नेशनल ज्योग्राफिक क्लेम कर रहा है कि एक एक्चुअल प्यूमिस स्टोन है, एक्चुअल वॉल्केनो से बना हुआ कूल डाउन हुआ हुआ स्टोन है, तो जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर पोर्स बने हुए हैं छोटे छोटे जैसे स्पंज होते हैं। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है इस टाइप के स्टोन वाटर एब्जॉर्व करते हैं, कोई भी मॉइस्चर अब्जॉर्व करते हैं। तो ये मेरे कलेक्शन में ज़रूर जा रहा है। और अगर आप ये सेट खरीदें तो आपके आपको भी इस टाइप के स्टोन्स मिल सकते हैं एक्चुअल वॉल्केनो से बने हुए, और आप उनको अपने कलेक्शन में रख सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा नेशनल ज्योग्राफिक का वॉल्केनो साइंस किट, जिसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शंस और लर्निंग गाइड दी हुई है। आप इससे वॉल्केनो के कॉन्सेप्ट को बहुत आराम से समझ सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक तो ज़रूर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाके आंसर्स कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।